गुड इवनिंग मैम, हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग एवरीवन. मर्जर एक्विजिशन वाला चल रहा था ना मेरे तो. हाँ मैम, एक्चुअली वो चल रहा था उसमें. फिर मैंने उसको देखा था उस चैप्टर में ना. इसमें इसके बाद ना जो जितना पार्ट हम लोगों ने कर लिया उसके बाद एज सच कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. उसमें क्या है कि जैसे टेक ओवर है तो वो टेक ओवर के बारे में और डिटेल में बताया हुआ है. एक्विजिशन है तो एक्विजिशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ. तो वो चीजें क्योंकि हम लोग बहुत सुपरफिशियली मतलब हम लोगों ने ऊपर में उसको और उसका डिफरेंस और क्या क्या डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन और टेक ओवर में क्या डिफरेंस होता है, टेक ओवर एक्विजिशन और मर्जर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो सब हम लोगों ने कर लिया. ठीक है. सो इसलिए उसमें और कुछ भी एज सच इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बचा. जितना हमने कर लिया वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हमारा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो हम लोग फिर क्योंकि देखिए टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो इसीलिए हम लोग सोच रहे कि एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो हम लोग कवर कर लें, भले ही पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट ना हो. ठीक है. सो इसीलिए वो मर्जर एक्विजिशन में जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि देखिए मेन इम्पोर्टेंट चीजें क्या होंगी उसमें. मर्जर एक्विजिशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके स्टेप्स और उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है उसका प्रोसीजर क्या है. अगर आपको तो किसी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन करना वो इम्पोर्टेंट है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, उसका टैक्स पे उसका क्या असर पड़ेगा, और या फिर हम कैसे उसका कॉम्पनसेशन जो वो कैश में करेंगे कि स्टॉक में करेंगे, फिर दोनों में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें से करना. तो मैक्सिमम 90% जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पूरा हमने उसको कवर कर लिया. उसके बाद जो चीजें हैं ना वो बहुत मतलब क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल तो इसमें है नहीं. न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे एक प्रॉपर जो न्यूमेरिकल होता है ना मर्जर एक्विजिशन का, बैलेंस शीट्स जी होती है और उनका हमें वैल्यूज निकालनी होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये वो सब चीजें, बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट होते. तो वो नहीं है. अगर वो होता तो वो फिर हम लोग करते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता, बट वो नहीं है. तो थ्योरी इन ओनली थ्योरी सेंस तो जितना हम लोग कर चुके दैट इज मोर देन इनफ इन मर्जर एंड एक्विजिशन. ठीक है. सो अब हम लोग वेलकम. जो हाइब्रिड वाला है वो हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. वो हमने थॉरली कवर हाँ किया. उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों को स्टार्टअप फाइनेंसिंग करा रही हूँ. इसके बाद फिर हम लोग अपना वो प्राइवेट इक्विटी करेंगे. ठीक है. और इन दोनों चैप्टर में से भी जितना इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उतना ही करेंगे. ठीक है. ओके. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. कम से कम मैं एक ज्यादा ज्यादा मार्क्स आ जाए हो सकता है जी कभी. बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा टारगेट है. सो दैट क्योंकि जो हमारे पास लास्ट वीक होगा ना उसमें हम कुछ भी नया नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर फायदा नहीं होगा. उसमें जितना कर लिया उसको पक्का करेंगे क्योंकि देखिए कोई भी रिवीजन राउंड हमारा नहीं हो पाया है ना. तो इसलिए वो वीक तो हमें रिवीजन के लिए ही रखना है, उसके लिए कुछ भी उसमें नया नहीं करेंगे. तो इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट है सब अभी करके तब चलेंगे. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके. यूनिट 20 जो है ना हमारा, यूनिट 20 हमारा मॉड्यूल D में है. और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ, मॉड्यूल C जो है उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 17, ठीक है, ये तीन चैप्टर मैंने कराए हैं बाबू मॉड्यूल. के लिए बने मेरे लिए नहीं. ठीक है. और मॉड्यूल D जो है, हमको भी कुछ खाने का दो ना. देखिए जो मॉड्यूल D है, मॉड्यूल D में 19 चैप्टर हाइब्रिड फाइनेंसिंग हम लोग कर चुके हैं. 20 मैं आपको करा रही हूँ और एक मैं आपको कराऊंगी 20 में. ठीक है. तो इस वीक का मेरा टारगेट है कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं. और क्योंकि ये हमारा इतना जो है ना, इसमें ये 3 चैप्टर और इसमें ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से नंबर, आपने देखिए आप लोगों ने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो हम लोग वो प्रोसीजर पढ़ रहे थे ना कि जब NCLT में हमें एप्लीकेशन देना, फिर वो शेयर होल्डर और क्रिएटर्स की मीटिंग बुलाएगा, तो वहां पर वो क्रिएटर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर जितनी भी चीजें, कितने दिन पहले बुलाएगा, 30 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी देना है और शेयर होल्डर्स को उनको वोटिंग पावर देना है. 75% इन वैल्यू से ज्यादा का हमारा क्या होना चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए. सो इस तरह की जो चीजें ना वहां से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक. सो वो सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर रिविजन में एक बार और लेंगे उसको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. सो ऐसा नहीं कि जो चैप्टर में छुड़ा रही हूँ कि वो चैप्टर में से बिल्कुल आ ही नहीं सकता एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सिलेबस के अंदर डाला गया है. लेकिन हाँ, उस इंपॉर्टेंट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, हालांकि सब्जेक्ट तो नया है बट टॉपिक्स के बेस पे, तो ये टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए हम इनको कर रहे हैं. तो 20 और 21 हम लोग करेंगे. ठीक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्टार्टअप फाइनेंसिंग यूनिट 20. स्टार्टअप फाइनेंस देखिए आज आजकल ना ये बड़ा सुन, ये जो टर्म है ये इतना ज्यादा, पहले अभी इससे स्टार्टअप से पहले एक जो टर्म बहुत ट्रेंड में थी ना वो थी एंटरप्रेन्योरशिप, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा बिफोर स्टार्टअप.
अभी तो आप लोग स्टार्टअप ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और आज की डेट में आप स्टार्टअप को लेके इतने सारे स्कीम्स और प्लान्स है ना, तो वो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करूंगी इस चैप्टर में से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं स्टार्टअप्स के लिए। इस चैप्टर के अंदर वो इम्पोर्टेंट है, मीनिंग से ज्यादा जो स्कीम्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उनकी किस में क्या लिमिट है, तो वो सब हम लोगों को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। वो लर्निंग वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको मर्जर एक्विजिशन बताया कि कितने दिन का टाइम पीरियड है, वो आपको लर्न करना है। ऐसे यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको लर्न करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा पहले मीनिंग देख लेते, क्या होता है कि स्टार्टअप, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरह स्टार्ट भी नहीं हुआ, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। और जो आपका स्टार्टअप है वो क्या होता है, क्रिएटेड, जरूरी नहीं कि उसको कोई एक इंडिविजुअल करे, उसको कोई एक या एक से ज्यादा बिजनेस, कुछ बिजनेस ओनर्स मिलके भी कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, कुछ लोग मिलके भी कर सकते हैं। और इनका जो डिजायर है वो क्या रहता है कि वो गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो उनको लगता है कि भाई मार्केट के लिए जो जरूरी है या जो उनको नीड लगता है, ठीक है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आप लोग शार्क टैंक आपने एक सुना होगा, भले देखा नहीं होगा बट सुना होगा, उसके बारे में रील्स वगैरह में कहीं देखा होगा। वो क्या है, वो आपका जिन लोगों के भी अपने स्टार्टअप्स हैं तो वो उनको फाइनेंस करते हैं, ठीक है। वहां पर वो जो जजेस हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना, अगर आपका प्रपोजल हमें अच्छा लगेगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रपोजल है, वो उसके अंदर ग्रोथ है और वो आगे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो हम उस पर्टिकुलर उसमें अपना क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है। वही उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है आपका, एक तरह से एक बिजनेस होता है जहां पर हम गुड्स और सर्विस, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में जिसकी जरूरत है या कुछ यूनिक हो, कुछ डिफरेंट हो, ठीक। और ये जो बिजनेस होते हैं स्टार्टिंग में, इनके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, लार्ज एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम इनकी कम होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या चाहिए होती है, इसलिए इनको चाहिए होती है फंडिंग, ठीक है। अब ये फंडिंग इनको बहुत सारी सोर्सेज से मिल जाती है, बैंक से भी मिल जाती है। अब जैसे ये शार्क टैंक भी एक तरह से सोर्स ऑफ फंड ही तो हुआ, ठीक है। उसके अलावा इनको जो और वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल है, तो वहां पे उसको डिटेल में करेंगे, ठीक। बहुत सारे सोर्सेज से फिर उनको, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा लगता है, इनकम कम होती, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए था, फंडिंग चाहिए थी, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो उस आइडिया को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो जब वो कंटिन्यू नहीं होगा तो फिर वो फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में, तो जो हमारा स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट जो कि एक एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, उसको ढूंढा है, उसको डेवलप किया, उसको वैलिडेट किया है और उसको उसको ऐसे लगता है कि एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है, मतलब ये ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का सीधा सा मतलब होता है कोई भी नया बिजनेस, ठीक है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, लेकिन उसका जो इंटेंशन है दैट नेवर इंटेंड टू बिकम रजिस्टर्ड, मतलब उसका एसच कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ हमें अपने आप को रजिस्टर कराना है या हमें ऐसे कराना है या हमें बहुत दूर जाना है ऐसे करके, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। मतलब आपने कोई भी काम शुरू किया तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब कि उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स आ जाते हैं कि जहां पर जो पर्सन है वो बहुत दूर की सोच रहा है, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब होता है ऐसा नया बिजनेस दैट इंटेंड टू ग्रो लार्ज बियॉन्ड दी सोलो फाउंडर। आई होप डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर ही है, एंटरप्रेन्योरशिप ही है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, कोई भी नया काम जो शुरू हुआ है। लेकिन फर्क क्या होता है, स्टार्टअप का यहाँ पर मतलब होता है कुछ ऐसा कि जो आप बहुत बियॉन्ड दी लिमिट आप जाने की सोच रहे हैं, मतलब आपकी, आपको ये उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर देखिए बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, ऑब्वियसली कि भाई पैसा डूब भी सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं क्या पता चले नहीं चले, आपके हिसाब से तो आपका आइडिया बहुत परफेक्ट है ना, लेकिन क्या पता वो इतना फ्रूटफुल ना हो, तो इसके जो फेलियर्स है वो भी, उसका जो फेलियर का जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपका माइनॉरिटी ऑफ दैट, मतलब कुछ ही आपके जो है इसमें से जो चल पाते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक। इसके लिए एक ये आपकी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये हमारा क्या है, ये वो डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, जिसने स्टार्टअप इंडिया को स्टैब्लिश किया है इंडिया में। और इसका काम क्या है, इसका काम है
टू हैंडल द इंसेंटिव डिसबर्समेंट प्रोसेस फॉर द न्यू बिजनेस, की ये जो नए स्टार्टअप्स को जो पैसा डिसबर्स किया जा रहा है उसको ये क्या करेगा, इफेक्टिवली हैंडल करेगा, ठीक है। और ये जो आइडिया है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरह से क्या करना है, एक इकोसिस्टम या आप कह लीजिए कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जहां पर जो इस तरह के बिजनेस है वो डेवलप कर सके, ठीक है। जो आपका स्टार्टअप इंडिया हब जो है वो एक क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर क्या आपकी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर आपका जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, जिससे क्या होता है कि जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनको मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर कि वो क्या कर सके, अपना अपनी क्वेरीज पूछ सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, मतलब उनको सारे सॉल्यूशंस यहां पर मिल जाएंगे रिलेटेड विद द स्टार्टअप। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2016 में, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, और इसके अंदर और क्या है, और ये है इसके अंदर कि यहाँ पर आपका ये क्या, एक पूरा ऑनलाइन फोरम है, ठीक है। अब ऑनलाइन फोरम है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, और जितनी भी एप्लीकेशंस इकट्ठी होती हैं उनको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइम में मिल जाता है उनको, विद इन 48 to 72 working hours, मतलब इतना स्पीडी प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने कि 48 to 72 hours के अंदर अंदर उनको क्या मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है, किससे, DPIIT से, ठीक है। सो ऐसा इसलिए ना कि इनके इनके काम में कोई भी तरह की रुकावट ना है, ठीक। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है स्पेशली जो जो हमारी ये जो नई बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में, तो इनका जो टारगेट था वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का जो एक उन्होंने जो दूसरा तरीका निकाला था, एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारी चीजें वैसे इन्होंने करी, लेकिन उसमें से जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो कि मतलब अभी भी जो हमारा क्या है, जो अभी भी काम कर रहा है, एक मेक इन इंडिया भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इस तरह के सब प्रोग्राम्स थे, बट उसमें से जो हम लोग को जो पढ़ना है वो स्टार्टअप इंडिया पढ़ना है, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो भी हमारे सिटीजन की जो एंटरप्रेन्योरियल जो इनकी पोटेंशियल है ना, जो इनके अंदर कैपेसिटी है एक तरह से कि एक पर्सन के अंदर या हमारे सिटीजन के अंदर जो एक बिजनेस माइंड है उसको डेवलप करना, ठीक है। सो वो इनका टारगेट था, और इंस्पायर करना इंडिया को, मतलब इंडिया को कि भाई वो क्या करे, कुछ अपने आइडियाज लेकर आए और उनके ऊपर काम करे और उसको फिर प्रॉफिटेबल वेंचर के अंदर उसको कन्वर्ट करे, ठीक है। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्टअप इंडिया इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 16 के अंदर। इस प्रोग्राम का जो गोल था वो था एक स्ट्रांग एनवायरमेंट प्रोवाइड करना इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं उनके लिए, सो दैट कि वो क्या कर सके, उनको एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग प्रोवाइड कर सके। क्योंकि देखिए अगर इंडिया के अंदर बिजनेस या स्टार्टअप्स होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप्स होंगी तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी कंट्री की तो ग्रोथ होगी ना, और अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा, क्योंकि एक एक बिजनेस लगेगा, अगर आप एक पर्सन को जॉब देते हैं तो उसे आप एक पर्सन को जॉब देते हैं, लेकिन अगर आप एक बिजनेस एक यूनिट अगर आप स्टैब्लिश करते हो तो आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को काम देते हैं, ठीक है। सो 16 जनवरी 2016 को हमारा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो है उसको अनवील किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो है 19 रिकमेंडेशंस थी, और इसकी जो मेन जो तीन कैटेगरीज थी 19 रिकमेंडेशंस की वो थी, एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की भाई पैसे वाली मदद करनी है इनको, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की, मतलब आपने क्या किया ना, जैसे ये IITs और ये इन लोगों से आपने क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया कि आप इन लोगों को ट्रेनिंग्स दीजिए, आप इन लोगों को आप इनको स्किल्स सिखाइए इस तरह से। और तीसरा था सिंप्लीफिकेशन एंड फोरिजन, मतलब चीजों को क्या कर देना, अब सिंप्लीफाई कर देना, कि ये नहीं कि अगर किसी को अपना कोई कंपनी या किसी को अपना कोई भी प्रोजेक्ट को अगर उसने रिकग्नाइज कराना है या रजिस्टर कराना है तो उसका बहुत लेंदी और बहुत कंफ्यूजिंग उसका प्रोसीजर हो, बहुत उसको सिंपल और इजी रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। सो 19 रिकमेंडेशन है जो कि मेन तीन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंडस्ट्री और अकेडमी कोलेबोरेशन और सिंप्लीफिकेशन, ठीक। हर एक स्टेट और यूटीज के अंदर एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप का क्या है वहां पर सेटअप है। जो हमारा DPIIT है उसने ये देखिए, अब यहाँ पर ना एग्जाम में आपसे ये फिगर तो नहीं पूछी जाएगी एग्जैक्ट, लेकिन हाँ राउंड फिगर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये नियर अबाउट 70,000 बिजनेसेस हमारे नेशन वाइड हमारे क्या हो चुके हैं, जो कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है, अप्रैल 2022 तक। और इसमें जो दिल्ली और कर्नाटका जो है वो हमारे हाईएस्ट टोटल है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुआ है। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का, उसमें
14,000 स्टार्टअप जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं ड्यूरिंग दी दिस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 14,000 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. सो ये बहुत ह्यूज नंबर है. उसके अलावा 555 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहां पर एटलीस्ट एक नई कंपनी आपकी क्या हुई है, सेटअप हुई है या स्टार्ट हुई है, ठीक है. और अगर हम पिछले 6 सालों का हम डेटा देखें तो स्टार्टअप एक्टिविटी जो है इंडिया में वो बहुत सिग्निफिकेंटली वो बढ़ी है पिछले 6 सालों में. आप ही देखिए सर्वे में पता चला है 16-17 के अंदर 733 ही हमारे पास क्या थे, सेटअप्स थे, मतलब स्टार्टअप्स थे. और अभी कितने हो गए हैं, 14,000 तो नए हमारे जस्ट अभी बने हैं. और उसके अलावा और इसका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो इसमें ये जो नंबर्स है ना ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट एक राउंड फिगर में आपको एक आइडिया होना चाहिए, 14,000, 70,000, ठीक है. और 555 डिस्ट्रिक्ट और मतलब 555 डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक स्टार्टअप इस टाइम पे अवेलेबल है. और 6 साल पहले 733 अराउंड था, मतलब 700 अराउंड था, अभी 14,000 तक पहुंच गया है ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है. उसके अलावा ये आपका हो गया है. और यूएस और चाइना के बाद अब इंडिया जो है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट सेटअप इकोसिस्टम बन चुका है, ठीक. तो बहुत ज्यादा हमें ये इन पे नंबर्स में बहुत ज्यादा भी नहीं जाना, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू मतलब आपको होना चाहिए, ठीक है. उसके अलावा अब देखिए जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज जो है ना जहाँ पर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं वो आपके मेन मेन कहाँ पर है, फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, आईटी कंसल्टिंग सेक्टर्स में, ठीक है. देर आर मोर देन 1,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इन ईच ऑफ द 12 स्टेट्स एंड यूटीज. तो इन स्टेट और यूटीज के अंदर 1,000 से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है, ठीक है. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, एमपी और वेस्ट बंगाल, ठीक है. सो ये आपके स्टेट से इनमें आपके सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है एक तरह से, ठीक है. 1,000 समझ में नहीं आ रहा कुछ. जी मैं बता देती हूँ सर, न्यू रिकॉग्नाइज कंपनीज. जी नीचे लिख रहा है 1,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इन ईच ऑफ दी 12 स्टेट्स, मतलब हर एक जैसे महाराष्ट्र है ना उसमें 1,000 है. अच्छा यस मैम. जी जी ऐसे मतलब इन इनके अंदर सबसे ज्यादा है. फिर उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, ठीक है. अब देखिए अब बेनिफिट्स में ये क्योंकि पैराग्राफ में इन्होंने दिया हुआ है तो इसमें जो पॉइंट्स है वो मैं अंडरलाइन करूंगी. सो बहुत इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे. सो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप के, बहुत सारे आपको पता भी होंगे, ठीक है. जो मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग उसको समझ पाएंगे. सबसे पहला तो टैक्स इंसेंटिव. किसी देखिए जब भी गवर्नमेंट को किसी चीज को प्रमोट करना होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहला जो बेनिफिट देती है ना किसी भी एरिया में वो देती है टैक्स बेनिफिट. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होती है, तो गवर्नमेंट वहां पर क्या देती है, टैक्स एग्जम्पशन देती है कि 5 सालों तक आप लोग फ्री हैं, आप अपना बिजनेस कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना. सो इस तरह के टैक्स एग्जम्पशन देती है तो उससे क्या होता है ना, उससे वो कंपनी के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं रहता तो वो ग्रो कर पाते हैं, ठीक है. सो इस तरह का स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स इंसेंटिव दिए हैं. उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है उनको, कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन दिया है. कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन का मतलब होता है कि सपोज अगर कोई आप कैपिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज आप बेच रहे हैं जिसको बेच, जैसे कोई कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीन, कोई प्लांट या फिर कोई इस तरह का कोई हैवी इक्विपमेंट, तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो उसका एग्जाम्पशन दे रही है आपको. उसके अलावा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दे रही है स्टार्टअप्स को, ठीक. और उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, आपको एक सेल्फ सर्टिफाई का मतलब आपको एक एबिलिटी मिल रही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को. हमारे ना जैसे देखिए बहुत सारे लेबर रेगुलेशंस हैं और एनवायरमेंटल लॉज है, सो उसमें जो हमारे 9 लेबर रेगुलेशंस जो है ना, सो उनको आप सेल्फ क्लेरिफाई कर सकते हैं. मतलब ऐसे नहीं कि आपको जाके उन लेबर लॉज में जाके आपको अपने आपको मतलब बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजिंग ना करके या वहां पर आप जा जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, आप उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है हमारे ये जो नॉर्म्स है वो फुलफिल किए जा रहे हैं, तो उतना भी सफिशियंट रहेगा, ठीक है. हालांकि जो प्रॉपर कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इनको ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है.
कि जो हमारे 9 लेबर रेगुलेशंस हैं उनके लिए वो खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और 3 जो एनवायरमेंटल लॉ है उसके लिए भी वो खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या बेनिफिट है, और उनको बेनिफिट है कि 3 to 5 ईयर का उनको एक्सक्लूजन मिल रहा है फ्रॉम एनी बिजनेस इंस्पेक्शन, कि उनके ऊपर आप मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि उनका ऑडिट वगैरह नहीं किया जाएगा 3 to 5 ईयर्स तक। उसके अलावा और क्या हो सकता है, और एक आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैडम जी बोलिए। इसका कोई स्टार्टअप करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा? जी 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 सर, रजिस्ट्रेशन होता है मैडम जी, जब आप अपने कंपनी को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपना जो भी आपका यूनिट है उसको अगर आप एज स्टार्टअप अगर आप उसको रजिस्टर करा रहे तब आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी ना नीचे होता होगा जी, इसका ना इसका सर नीचे अभी एलिजिबिलिटी है कि कौन सी वो कंपनीज है जो अपने आपको एज स्टार्टअप रजिस्टर करा सकती है, तो उसकी एलिजिबिलिटी है वो भी हम नीचे देखेंगे। ठीक है अच्छा, फिर उसके बाद जो और हमारे और भी सिग्निफिकेंट कुछ प्रोविजंस है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिए इनको 80% फी डिस्काउंट मिलता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे। अगर स्टार्टअप्स अपना कोई पेटेंट रजिस्टर करा रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो उनको उसके ऊपर 80% जो भी पेटेंट की जो फीस होगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा, और 50% फीस का उनको रिबेट मिलेगा अगर वो ट्रेडमार्क फाइल करा रहे हैं। पेटेंट पे 80%, ट्रेडमार्क पे 50%। ठीक अच्छा, उसके अलावा और दूसरा जो बेनिफिट है वो इनका फास्टर एग्जिट रेगुलेशन। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि कुछ हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स है, जैसे एक तो आपका ऑटोमोबाइल हो गया, एक आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पर ना जो एग्जिट है वो बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल इन द सेंस कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है 10 to 20 ईयर्स तक, आपको अपनी भले आप अपना बिजनेस बंद कर दे, अपना प्रोडक्ट बेचना बंद कर दे, लेकिन सर्विस जो है वो आपको एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स तक आपको देना पड़ता है। तो वहां पर जो एग्जिट है वो इतना इजी नहीं है इन कंपनीज में, लेकिन अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जिट रेगुलेशन है वो बहुत फास्टर है। ठीक है, आपको बिना कुछ खर्चा करे हो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक अच्छा, अब इसको और एनकरेज करने के लिए क्या किया है, एक अटल इनोवेशन मिशन बनाया है विद किसके साथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, सेतु से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे भी डिटेल में भी दिया हुआ है ये सब चीजें ना, तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे। सो क्या किया है इन्होंने, अटल इनोवेशन मिशन डेवलप किया है किसके साथ, सेतु के साथ। ठीक और सेतु क्या है, सेतु एक प्रोग्राम है, ये एक मिशन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही इसका जो पर्पस होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, इनको प्रमोट करना स्टार्टअप कंपनीज को। ठीक है, और इनको वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स बनाना, कि वो मतलब जो उनकी जो टेक्नोलॉजी हो और बहुत एडवांस फील्ड में ये अपने आप को एस्टैब्लिश करें। ठीक, सो ये सब चीजें, बाकी बस इतना, इतने जो ये बेनिफिट्स है जितने मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सेल्फ सर्टिफाई वाला याद रखिएगा, 9 लेबर रेगुलेशंस, 3 एनवायरमेंटल लॉज, कैपिटल गेन एग्जम्पशन, टैक्स इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट फंडिंग, और फास्टर एग्जिट रेगुलेशन, 80% इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन में छूट है, और ट्रेडमार्क में 50% में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, हालांकि देखिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ऐसे स्पेसिफिकली आपसे ये इस तरह की ऐसे ये फिगर्स पूछी जाएगी, बट हाँ एक आपसे एक अप्रोक्सीमेशन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूछ लें आपसे ना, सो इसलिए एक बार इनको इसको रीडिंग देना एक बार इसको जरूरी है। सो कुछ फैक्ट्स चेक करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। तो देखिए कुछ हमारी चीजों को अपलोड किया गया था इस ये जो स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, June 22 का ये डेटा है। सो यहाँ पर क्या, देर आर 7293 स्टार्टअप्स हैं जो कि रिकग्नाइज किए हैं DPIIT ने, और इन्होंने 4.7 लाख जॉब्स दी हैं। ठीक है और 4.7 लाख जॉब दिए 39,000+ स्टार्टअप्स ने। ठीक है, मतलब इतने तो रिकग्नाइज हैं जिसमें से कि 39,000 जो है उन्होंने इतनी सारी जॉब्स क्रिएट की हैं। 4509 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है, इन 384 स्टार्टअप, मतलब 384 स्टार्टअप्स के अंदर 4509 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगेन मैं बता रही हूँ ये फिगर्स आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक रीडिंग देना है, सो दैट कि अगर बाय चांस एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे कुछ अप्रोक्सीमेशन में पूछे तो आप मार्क कर पाए आंसर। ठीक है, और ये किसके थ्रू उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किए, ये जो आपका ये जो फंड ऑफ ये जो स्कीम्स चल रही थी ना गवर्नमेंट की, उसके थ्रू 620+ डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कंट्री में, सो उसमें से 620+ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनके अंदर एटलीस्ट एक स्टार्टअप अवेलेबल है, मतलब एक स्टार्टअप जिसके अंदर रिकग्नाइज हो चुका है।
44% जितने भी आपके रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उसमें से 44% में से एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जहां पर ऐसे रहता है वुमेन और फीमेल का जैसे रहता है, तो वहां ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि 44% रिकग्नाइज स्टार्टअप्स में से जितने भी टोटल हमारे रिकग्नाइज, मतलब ये 72,993 जो टोटल स्टार्टअप्स हैं, रिकग्नाइज स्टार्टअप्स है, इसमें से 44% जो स्टार्टअप्स है उसमें से एटलीस्ट एक स्टार्टअप के अंदर क्या है, एक फीमेल डायरेक्टर है। उससे ज्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट एक तो है 44% में। ठीक, 37+ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है वो अब तक स्टेट्स और यूटीज कर चुके हैं स्टार्टअप्स के लिए, 39 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हो चुके हैं, ठीक है, इन जो कि मिनिस्ट्रीज ने किए हैं। 2.8 लाख यूजर्स जो है वो एनरोल्ड हो चुके हैं स्टार्टअप इंडिया और ये इसके लर्निंग प्रोग्राम के साथ। 30 स्टेट्स और यूटीज जो है उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसीज, मतलब एक तरह से कहते हैं ना सेपरेट उन्होंने डेडिकेटेड स्टार्टअप पॉलिसीज बनाई है। एक तो होता है कि चलिए हमने पूरा एक अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई उसके अंदर सब कुछ डाल दिया, नहीं, डेडिकेटेडली स्पेशली जैसे हमारा वो एग्जिम पॉलिसी बनता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए अलग से पॉलिसीज बनती है, सो सेम ऐसी स्टार्टअप के लिए भी अलग से डेडिकेटेड पॉलिसीज बनाई है 30+ स्टेट्स ने। और 319 स्टार्टअप जो है वो उनको हमने एग्जाम्पशन ग्रांट किया है अंडर सेक्शन 80IAC। ये जो सेक्शन है 80IAC इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सेक्शन पूछा जा सकता है, इसमें आपको स्टार्टअप से रिगार्डिंग आपको एग्जाम्पशन मिलता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि ये याद करने वाली चीज तो नहीं, लेकिन एक रीडिंग इसको जरूर देंगे सो दैट कि आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा, ये टीयर वन टीयर टू एक बार देख लीजिए, जो हमारा जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं जो कि 590 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, दे हैव रीच ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 45% ऑफ द कंपनीज वर फाउंडेड इन टीयर वन और टीयर टू सिटीज। एक्चुअली ये इन्होंने क्या किया ना, जैसे मेट्रो सिटी हो गई और फिर वो सेकेंड में फिर मेट्रो सिटी से थोड़ा सा कम हो गई, तो उस तरह से ना इन्होंने टीयर वन और टीयर टू में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है सिटीज को। सो एटलीस्ट वन वुमेन हैज अ डायरेक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, कि एक वुमेन डायरेक्टर हमारा 44% स्टार्टअप्स के अंदर है। और एक हमने ना ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो बनाई जा रही है, ये आपकी बन रही है स्कूल्स के अंदर, ठीक है, कहाँ पर बन रही है, स्कूल्स के अंदर बन रही है। और एक आपका ये अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनक्यूबेटर्स जो है उनको चूज किया थ्रू आउट द कंट्री टू विच इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड। तो इन्होंने क्या कि कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, कुछ लोगों को चूज किया है कि जिनसे ये क्या कर रहे हैं, जिनके हेल्प से, जिनकी मदद से वो ये फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और तो इसमें इम्पोर्टेंट है एक ये चीज इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट देखिए, टोटल 561 पेटेंट्स जो है वो अब तक इशू करे जा चुके हैं मार्च 21 तक। और हमारा जो ये DPIIT ये क्या कर रही है, मॉनिटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उस इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, इसको इन्होंने क्रिएट किया, एक सेकंड प्लीज देख लीजिए, ठीक है, अच्छा, सो ये अगेन फिर ये इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ये इसमें ना बहुत सारे हैं ऐसे जो प्रोग्राम्स के स्कीम और प्रोग्राम्स हैं और उनका फुल फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसका है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये जो फंड इनको सेंक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने अलग से फिर एक बना दिया SIESFS, ठीक है। और इसने अब तक 945 करोड़ का इन्होंने अब तक अलोकेशन कर दिया है, ठीक। ओवर 300 न्यू बिजनेस इन द कंट्री हैव ऑलरेडी बेनिफिट, ठीक है, 300 से ज्यादा जो बिजनेस है वो इस फंड से, इस स्कीम से बेनिफिट ले चुके हैं। और इनके पास जो पूरा जो कॉर्पस है वो इनके पास 10,000 करोड़ का, मतलब इसके पास जो पूरा जो कॉर्पस है वो 10,000 करोड़ का, जिसमें से कि वो 945 करोड़ अभी तक सेंक्शन कर चुके हैं, ठीक।
चलिए फिर उसके बाद आपका आता है इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इतना हमने पढ़ लिया स्टार्टअप, स्टार्टअप किसको कहेंगे स्टार्टअप। तो जो भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस यूनिट इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगी सो उसको हम बोलेंगे स्टार्टअप। तो देखिए अगर सपोज पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टअप जो ये स्टार्टअप रहेगा ना वो अप टू 5 years तक रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन वो बना ना तो उसके बनने की अप टू 5 years तक वो क्या होगा, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में होगा। और उसके बाद या फिर वो कब स्टार्टअप होगा, अगर उसका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है, ठीक है, मतलब उसकी जो लाइफ है एक तरह से आप ऐसे देखिए उसकी जो एज है अगर वो 5 years से कम है, अप टू 5 year होनी चाहिए एज, और जो उसका जो टर्नओवर है जो उसका सेल है या जो एनुअल उसका जो बिजनेस है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इनका जो वर्किंग है, इनकी जो वर्किंग है इट शुड बी टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट या कोई कोई नया प्रोडक्ट का कोई कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब ये नहीं कि आपने नॉर्मल आप पेन बनाने का बिजनेस करें, नॉर्मल जैसे पेन अभी बन रहे उसी टाइप का पेन बनाने का बिजनेस करें, सो वो नहीं, कुछ आपका क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, या कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर ये तीन चीजें होंगी, जरूरी नहीं मतलब ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं, तो तब आप उसको क्या कहेंगे, स्टार्टअप कहेंगे। उस ऐसी एंटिटी को आप क्या कंसीडर करेंगे, स्टार्टअप कंसीडर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक नोट दिया है, नोट ये दिया है कि अभी हम लोगों ने मर्जर एक्विजिशन पढ़ा ना, तो अब सपोज दो कंपनी थी ए और बी, ठीक है, ये दोनों मतलब पहले ये एक ही कंपनी थी, सपोज ए कंपनी थी, अब ए कंपनी ने क्या किया ना इनके अंदर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया तो दो कंपनी बन गई बी और सी, ठीक है, मतलब ये आप मान लीजिए ए और बी बन गई, ए अपना जो पुराने वाली थी वही एज इट इज एग्जिस्टेंस में, इसने बी कंपनी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब ये नहीं कि अगर जो बी कंपनी है उसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है और वो ये सब, तो वो स्टार्टअप है, तो कोई भी एंटिटी जो कि स्प्लिटिंग ऑफ या रिकंस्ट्रक्शन की वजह से बनी है उसको स्टार्टअप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज फिर क्या किया गया, ये तो ठीक है ये इनिशियल डेफिनेशन थी स्टार्टअप की, लेकिन फिर धीरे धीरे जब देखा गया और चीजों को ऑब्जर्व किया गया तो थोड़े टाइम बाद ना इसकी जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब आप कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया गया। सो वो क्या रिलैक्सेशन है उसको देखिए, कि एक तो इसकी जो एज थी वो क्या कर दी, 10 years कर दी ऊपर वाले में इनिशियल में अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है देखिए कि इनिशियल डेफिनेशन में कितना था, एक्सपेंडेड में कितना था, तो इनिशियल में 5 years था, एक्सपेंडेड में 10 years था, राइट। सो एक तो ये 5 का 10 हो गया है और जो वहां पर 25 करोड़ का टर्नओवर था वो यहाँ पर 100 करोड़ हो गया है, ठीक है, और बाकी ये जो चीज है ये आपका मतलब सेम ही है, बस इसमें आपका क्या हो गया, ये एक चीज ये वाली ऐड कर दी गई है कि वो आपका स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर हाई पोटेंशियल हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का और वेल्थ क्रिएट करने का, बाकी वही सब चीजें इनोवेशन इंप्रूवमेंट। तो ये यहां से यहां तक की इस चीज को ऐड किया गया है, 25 करोड़ को 100 करोड़ बना दिया है और 5 साल को 10 साल बना दिया, तो ये एक्सपेंडेड डेफिनेशन है। इसके अलावा एक पॉइंट और है वो अभी बताऊंगी, लेकिन ये तीन पॉइंट जो ऊपर इनिशियल डेफिनेशन में जो तीन पॉइंट्स थे उन तीन पॉइंट्स का यहाँ पर एक्सपेंशन कर दिया है। तो इसमें सर मैम कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं होगा? हाँ वो मैं अभी बता रही हूँ सर वो कौन से होंगे, ठीक है। सो ये इनिशियल वाले पॉइंट्स का ये हो गया कन्वर्जन, मतलब एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग एक पॉइंट और हमारा है। सो कोई भी एंटिटी को स्टार्टअप हम मानेंगे अगर वो पहली बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, एक बात, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, ठीक, जो कि रजिस्टर्ड हो, लेकिन देखिए मैंने आपको एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा और सब्जेक्ट्स में भी पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है ना उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपका कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और आप उसको एज स्टार्टअप अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आपको उसको सेक्शन 59 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टार्टअप नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एकदम से वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकती है अगर वो ये तीन कंडीशंस फुलफिल करती है, नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनी कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर। पार्टनरशिप फॉर्म भी स्टार्टअप बन सकती है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप जिसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, पार्टनरशिप के कोई ड्रॉबैक्स है तो उन ड्रॉबैक्स को साइड रखते हुए एक जो नया फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जो बनाया गया उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये आपका LLP है और ये LLP आपका ये इसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए 2008 के अंदर,
ठीक है। ये तीन आपके मतलब या तो वो प्राइवेट कंपनी हो, इंडिविजुअल की है, सपोज आपने कोई कंपनी तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या तो या पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए। तो जो अभी आपका क्वेश्चन था सर सोल प्रोप्राइटरशिप, वो नहीं होगा, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर आपको करना भी, तो उसको आपको एज प्राइवेट लिमिटेड या एज पार्टनरशिप या एज एलएलपी आप उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, देन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप के। सो आई होप क्लियर है आपको ये दोनों डेफिनेशन, इनिशियल भी और एक्सपेंडेड भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन ये वही नोट दिया हुआ है कि अगर बाई चांस स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन से हुआ तो उसको स्टार्टअप नहीं मानना है। है वही ना मान्य होगा वो जो जो नया एक्सटेंडेड ये जो दिया गया है डिफिनेशन, ये सही होगा ना? हाँ जैसे सर जी, ये तो ये सर एडवांस हो गया ना, ये ऑब्वियसली मतलब वो पुराना था, वो अब उन्होंने उनको नीड लगी ना ऐसी कि नहीं यार 5 साल में काम नहीं चल रहा है, कंपनी को और टाइम लग रहा है उसको और ग्रोथ करने में ना, मतलब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस और ये सब बेनिफिट्स जो है वो उसको और सालों तक चाहिए, तो ऑब्वियसली यही एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल डेफिनेशन वो था और फिर उसको क्वेश्चन एक्सपेंड करके ये बना दिया गया था। में तो जो पूछा जाएगा तो हमें यही आंसर देना है ना, जैसे देखिए स्टार्टअप का जी मैक्सिमम जी अगर अगर लॉजिक। वो क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछता है तो आप ये वाला आंसर करेंगे। अगर नॉर्मल कुछ भी मेंशन नहीं किया, एक्सपेंडेड और इनिशियल और कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि टर्नओवर जो है कितना, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा उस केस में 100 करोड़, ठीक है। लेकिन हाँ अगर वो फिर स्पेसिफाई करता है कि एज पर इनिशियल डेफिनेशन एंड एज पर एक्सपेंडेड डेफिनेशन, फिर आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप क्या कोई भी बिजनेस हो वो ये सारे चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। जो आपका जो प्लान है वो फेल हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस आपकी अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। जैसे आप लोग ने, किसी ने देखा है जो वो शार्क टैंक में जो लोग आते हैं अपना आइडिया लेके, है ना, तो उसमें से कुछ लोगों का जो आइडिया होता है, या मतलब वो शार्क टैंक को मैं इसलिए क्योंकि वो आजकल बहुत मतलब ट्रेंड में, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे भी देखने को मिल जाता है, तो वो एक मतलब वो जल्दी आप लोग को शायद समझ में आ जाए। तो उसमें क्या होता है, उसमें हर कोई अपना आइडिया लेकर आता है, तो अपने पॉइंट से वो सही है, लेकिन फिर जो सामने जो जजेस बैठे होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ना, वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे एक स्टार्टअप, उन्होंने एक स्टार्टअप डाल के और वो अच्छा खासा उन्होंने उसमें ग्रोथ लिया है, तो उनको एक्सपीरियंस है, तो वो बता सकते हैं आपके आइडिया को कि भाई ये ग्रो कर सकता है नहीं कर सकता, भले वो 100% श्योर ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो वो कह देंगे वही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस पर्सन से जो सामने खड़ा है एज अ कॉन्टेस्टेंट और जो वो जजेस है, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो हमने जो एज अ पर्सन या एज अ इनिशिएटर जो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी, हो सकता है वो अनरियलिस्टिक हो, है ना। सो ये आपका फेल भी हो सकता है, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, नॉलेज और स्किल गैप हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीडरशिप का प्रॉब्लम हो सकता है, कंपटीशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सूटेबल कैंडिडेट ना मिले हमें जॉब मतलब एम्प्लॉयज के लिए, पार्टनरशिप का डिसीजन मेकिंग हमारा गलत सेट हो जाए सपोज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, या आपका सिक्योरिंग फंडिंग का सिक्योरिंग में प्रॉब्लम हो, या साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब आपके चैलेंजेस है जो कि स्टार्टअप तो क्या किसी भी बिजनेस को फेस करना पड़ सकता है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग सीधा जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में। देखिए जो हमारा स्टार्टअप इंडिया टीम है ना, उन्होंने मतलब एक तरह से कमिट किया है कि वो एक्टिवली क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे इंडिविजुअल स्टेट को इन फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टार्टअप पॉलिसीज, की जो भी स्टार्टअप पॉलिसीज कोई भी स्टेट ने लॉन्च की है, सो उसको जो हमारी ये स्टार्टअप इंडिया टीम जो है ये क्या करेगी, उसको मदद करेगी फॉर्मुलेट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। करेंटली 31 स्टेट हैं, आउट ऑफ टोटल 36 हैव देयर ओन स्टार्टअप पॉलिसीज। 31 स्टेट आउट ऑफ टोटल ऑफ 36 हैव देयर ओन स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। तो टोटल 36 में से, मिला के बोल रहा है मैम। 36 में से 31 जो हमारे स्टेट और यूटीज हैं उनकी अपनी क्या है, सेपरेट उनकी स्टार्टअप पॉलिसी, उनकी अपनी स्टार्टअप पॉलिसी, मतलब हर एक हरियाणा की अपनी अलग पॉलिसी है, ठीक है, दिल्ली का अपना अलग है, चंडीगढ़ का अपना अलग है, तो इतने मतलब इन सब में से 31 के पास अपना स्टार्टअप पॉलिसी है, ठीक है। सो वो यहाँ से वो बता रहे स्टेट की, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टार्टअप इनिशिएटिव, जब ये आपका 2016 में ये स्टार्ट हुआ था,
उस समय 26 ने ही अपनी पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया था, लेकिन अब आप देखिए 26 में से फिर अब 31 हो गए हैं. देर इज एटलीस्ट वन स्टार्टअप दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज बाई डीपीआईटी ऑपरेटिंग इन ईच 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, सो वही कह रहे कि हर एक स्टेट में आपका क्या है स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज है. टोटल आपके हर एक 623 डिस्ट्रिक्ट्स में थी. ये वही वाला डेटा है जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये वही दोबारा से यहाँ पे उसको कोट कर रहे हैं स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में. फिर उसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट है पिच प्रेजेंटेशन. हो सकता है ये टर्म आपने सुना हो अगेन शार्क टैंक में, अगर आपने सुना होगा तो, अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ क्या होता है. देखिए जैसे नॉर्मल हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है ना, सो पिच प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप अपने आइडिया को या जो आपका जो स्टार्टअप है, ठीक है, आप अपने स्टार्टअप को कैसे आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हो और आपको उसको इस चीज पे आपको उसको एग्री कराना होगा या उसको आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि सर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और मेरे पास ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है. तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को, इस तरह की जो भी वो एक्सप्रेस करेगा उसको बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो देख लीजिए ये होता क्या है. ये एक स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, कीनोट स्लाइड भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, वो शोकेस करता है अपने बिजनेस को और उनको रीजंस प्रोवाइड करता है कि जिसके लिए जो इन्वेस्टर है वो उसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे. ठीक है, पिच प्रेजेंटेशन जो ये 1990s से ये जो टर्म है ये स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए अब आप लोग खुद से बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए. ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए कि सर ये मैंने मतलब इंडिया के अंदर मैंने ये प्रॉब्लम देखा है और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. ठीक है, सो इस तरह का आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए. दूसरा सॉल्यूशन टू सॉल्व द इशू कि आप उसको आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अपना बिजनेस मॉडल आप उसको उसमें बताएंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या आपकी एक्टिविटी रहेगी कमर्शियल एक्टिविटी, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है. ठीक है, या फिर आपका टीम कंपोजिशन आपका क्या रहेगा. ठीक है, आपके प्रेडिक्शंस और सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या रहेंगे. तो उस पिच प्रेजेंटेशन में आप ये सारी चीजें आप इन्वॉल्व करेंगे और सामने वाले को मतलब एक तरह से आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर को आपको रीजन देने की क्यों वो आपके बिजनेस के आपके स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा, दैट इज पिच प्रेजेंटेशन. और ये दो चीजें और, प्रेजेंट स्टेटस क्या है. ठीक है, टाइमलाइंस क्या है, आपने किस टाइम पे स्टार्ट किया, क्या सेल किया, क्या किया. ठीक है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव समरी और कॉल फॉर एक्शन. ठीक, ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी. पूछ सकता है मैम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पिच प्रेजेंटेशन फॉर स्टार्टअप. हाँ बिल्कुल, हाँ पूछ सकता है सर, बिल्कुल पूछ सकता है. सो इसलिए बस आपको एक बार इसको गो थ्रू करना है. ठीक है, और बाकी आप उसमें फिर आप थोड़ा ऐसे भी सोचेगा, आप अपने आप को उस जगह रख के सोचेगा कि ठीक है अगर मैं किसी को मतलब अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी. तो ऑप्शंस में से आप देखिएगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये जरूर होना चाहिए, कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है पिच प्रेजेंटेशन के अंदर. तो अकॉर्डिंगली फिर आप आंसर मार्क करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया है. उसके बाद ये जो टॉपिक है ना, प्रोग्राम्स एंड कॉम्पिटिशंस फॉर स्टार्टअप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स और प्लान्स हैं. ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. एक है ये आपका स्टार्टअप यात्रा, अगेन मैं आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इंपॉर्टेंट में फिर आपको पूरी कहानी नहीं पढ़नी है इसकी, आपको इसमें बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है. जैसे स्टार्टअप इंडिया यात्रा, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है. ठीक है, जो किस इंटेंशन से किया था, इसमें आप क्या करेंगे, ट्रैवलिंग अक्रॉस टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज. देखिए टीयर वन के अंदर आपका क्या आ जाएगा ना, टीयर वन के अंदर जो भी आपकी मेट्रो सिटीज है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन और मतलब एक तरह से एक क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का एक रेवोल्यूशन होता है. ठीक है, वहां पर सबको पता होता है, सबके हाथ में फोन होता है, सबके पास गूगल होता है, सबको नॉलेज होता है और वो खुद एक वर्किंग एनवायरमेंट को देख रहे होते हैं या वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो उनको सब पता रहता है. तो टीयर वन में तो क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं ना स्टार्टअप के, बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन है मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारी जो मेट्रो सिटीज या जो अच्छे स्टेट्स हैं उनके अंदर एक एक स्टेट के अंदर थाउजेंड थाउजेंड स्टार्टअप्स जो है वो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. सो जहां पर हमें ऐसे लग रहा है कि जहां पर इस तरह के स्टार्टअप्स नहीं हो रहे या वहां तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है या उनको शायद किसी नॉलेज की या किसी एडवाइस की जरूरत हो, है ना, सो उसके लिए इन्होंने क्या चलाया, स्टार्टअप इंडिया यात्रा चलाई, जो कि कहाँ पर करेंगे, ये टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज में. ठीक है, ऑब्वियसली ये कौन सी सिटीज होंगी, बिलो मेट्रो सिटीज. ठीक,
और इनका काम क्या है, इनका टारगेट क्या है, टारगेट इज सर्च ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट विद इन द इंटेंशन ऑफ असिस्टिंग इन द एक्सपेंशन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का स्टार्टअप को और एक्सपेंड करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के टैलेंट को ढूंढने के लिए कहां से, टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज, राइट। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव बिजनेस ओनर्स की, और कितने लोग हम लोग जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर रहते हैं, ऐसे नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया से लोगों को ढूंढ के लाना जो हमें ऐसा लगता है जिनके पास अच्छे आइडियाज हो सकते हैं और वो अच्छा एक स्टार्टअप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होंगे। नंबर वन, ये क्या, ये आपका एक मोबाइल वैन है, स्टार्टअप इंडिया ट्रेवल्स अक्रॉस दी स्टेट, और ये क्या करती है, आइडियाज को रिकॉर्ड करती है और पूरा उसमें इंडिया में ट्रैवल करती है। कहाँ पर ट्रैवल करती है, टीयर टू और टीयर थ्री में, अदर देन मेट्रो सिटीज मतलब। उसके अलावा जो स्टार्टअप यात्रा है उसने 23 स्टेट्स के और 220 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो यात्रा है वो कंप्लीट कर ली अब तक। 780,000 पीपल को इन्होंने मतलब इतने लोग इनको इंटरेस्टेड मिले जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थे, 780,000। अप्रोक्सीमेटली 1450 इनको क्या मिली है, अपॉर्चुनिटीज मिली है, ठीक। और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डे अब बूट कैंप और ये क्या करते हैं, वो कैंपिंग वगैरह करते हैं और वहां से ये अपना वर्कशॉप और ये पिच सेशंस वगैरह वहां पे चलाते हैं, ठीक। सो ये आपका ये स्टार्टअप यात्रा होंगे, ठीक। और इसका जो मेन ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा ये जो कीवर्ड्स है ना, टू विजिट एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि बताइए स्टार्टअप इंडिया यात्रा जो है उसका क्या टारगेट है, कि जो अच्छी सिटीज है जहां पर हमें, या मतलब एक तरह से सिर्फ जहां पे हमें उम्मीद है कि वहां पे हमें स्टार्टअप्स मिलेंगे उन्हीं में ही हम जाके विजिट करेंगे, या फिर हर एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट करेंगे। सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप फिर वहां पे ऑड वन आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये अगेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें ये इंसॉल्वेंसी, ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ा होगा। वो ऊपर वाला नहीं करना, 170 वाला लिखा था। नहीं नहीं सर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मतलब नॉर्मल ऐसे ये दिया हुआ है कि इसमें ये DPIIT ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद ये इसमें ना पूरा हमें ये पूरा ये IBC हमें वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको विद रिगार्ड टू स्टार्टअप आपको पढ़नी है। सो इसमें मैंने आपको बताया था ना, एक बेनिफिट है, किस चीज का बेनिफिट है कि आपको फास्ट एग्जिट का आपके पास ऑप्शन है, राइट। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, तो ये इसके लिए इन्होंने क्या किया, फास्ट ट्रैक फॉर्म्स बनाई है। सो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जहां पर भी आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। सो वो क्या अलाउ करती है, ये जो फास्ट ट्रैक फॉर्म्स है किसने बनाई है, MCA ने बनाया है, और इनके अंदर क्या है कि आप अपने स्टार्टअप को अगर आप वाइंड अप करना चाहते हो तो आप विद इन 90 days आप उसको वाइंड अप कर सकते हो, एज कम्पेयर टू 180 days जो कि रेगुलर बिजनेस के साथ होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आएगा ही, मैम मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वही, इस तरह की जहां पर भी इस तरह की चीजें मिलेंगी ना तो वो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पायर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रोग्राम है। सो देखिए ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकता है और इनका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। सो देखिए, इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये बच्चों के लिए, ठीक है, जो आपके 10 to 15 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये करेंटली जो 6 to 10th क्लास के अंदर है, ठीक है, मतलब 6th standard से 10th standard के बीच के जो बच्चे हैं, ये इनका वो हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और एज क्या है, एज है 10 to 15, ठीक है। सो ये इनका टारगेट, अब ये इनका मतलब मोटिव क्या है, इनका मोटिव देखिए, फुल फॉर्म एक तो इंस्पायर, फुल फॉर्म आपको याद रखना, इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, ये अवार्ड्स एक अवार्ड्स मानक इन्होंने करके स्टार्ट किया है, और ये किसने करा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने, किसके साथ मिलके, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक। सो ये किया क्या है इन्होंने, इन्होंने किया है कि हम क्या करेंगे, यंग पीपल को, वो यंग पीपल कौन है, अब हमें लगेगा यंग पीपल मतलब जैसे जो हमारा जो
जो लोग जैसे अपना एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर चुके होते हैं, सपोज 21 प्लस के लिए हम लोगों को ऐसा लगेगा यंग जनरेशन के, लेकिन यहाँ पर यंग पीपल से यहाँ पर ये बात करें 10 to 15 ईयर्स की एज ग्रुप में जो है, जो कि 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड के बीच में. सो इसका जो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इज टू फोस्टर एन एनवायरमेंट दैट एनकरेज यंगस्टर्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली. क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर क्या है ना, हम लोग जो है, हम लोग से अगर अभी कोई पूछे कि बिजनेस आइडिया बताए तो हम बहुत ऊपर ऊपर से तो बता देंगे, लेकिन बहुत डीपली हम नहीं बता पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को उस तरह से क्रिएटिवली हम लोगों को सोचना नहीं सिखाया गया हमारे स्कूल्स के अंदर. सो अभी इन लोगों को ऐसा लगा ना कि क्योंकि इन लोगों में जो अब जिनके ऊपर ये पहले टारगेट कर रहे थे तो वो लोग तो अपना मतलब इतना नहीं इनोवेटिव सपोज वो सोच पा रहे थे एज कम्पेयर टू जो सपोज दूसरी कंट्री से कहीं और से उन्होंने कंपेयर किया होगा. सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको वहीं से ट्रेन करना शुरू करें कि आप क्रिएटिवली सोच ले, कुछ इनोवेटिव आप कीजिए. ठीक है, सो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब एक टारगेट रखा है 1 million यूनिक आइडियाज का. ठीक है, इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड सोसाइटल एप्लीकेशन, इन दो ये दो फील्ड्स के अंदर, और जिसमें से कि इनको 3.2 अकाउंट खुलवाने उसको मिला था 10,000 रुपए. जी 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 बिल्कुल सर, हाँ उसने ये प्राइज जीता होगा. तो बिल्कुल बिल्कुल, अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक आप लोग को दिया हुआ है तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब इसने इस वाली स्कीम से इसने ये पैसा कमाया है. ठीक है, सो ये साइंस और सोसाइटल एप्लीकेशन के लिए इसके अंदर 3.2 million नॉमिनेशंस इसके लिए रिसीव हुए थे, और इसमें फिर 50,000 जो बेस्ट आइडियाज हैं उनको इसमें चूज किया गया है, और हर एक को 10,000 का प्राइज मिला है. ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, राइट. सो ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं. ठीक, फिर नेक्स्ट आपका नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है. ये इनिशिएट हुआ था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 21 के अंदर. इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस था अवार्ड इस ऑफ दिस अवार्ड इज टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंट स्टार्टअप की. अब जैसे देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा अराउंड 70,000 स्टार्टअप्स हुए सपोज अब तक. ठीक है, सो इन 70,000 में से जैसे हम लोग कहते हैं ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो ऐसी स्टार्टअप की भाई बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन सा रहा, या फिर बेस्ट स्टार्टअप इसमें से इन सेंस ऑफ मार्केट कवरेज, या फिर प्रॉफिट अर्निंग, या किस सेंस में, या इनोवेशन के एरिया में, या किस जैसे होता है ना अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग अवार्ड्स आप उनको क्या कर रहे हैं. तो जो भी आपके स्टार्टअप्स है आप उनको क्या कर उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, जो जिनका भी स्टार्टअप अच्छा है. इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इससे मोटिवेशन मिलता है ना, और क्या होता है इससे कॉम्पिटिशन भी इंजेक्ट होता है. ठीक, और सो इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये है कि ये आपका नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है ये आपका क्या है कि जो भी एक्सीलेंट स्टार्टअप्स है उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रिवॉर्ड देना है. इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जिसको ये अवार्ड मिला उसको क्या होगा, वो मोटिवेट होगा. ठीक है, बाकी एज सच इसमें कुछ नहीं है. लास्ट में एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. द विनिंग स्टार्टअप इन द कॉम्पिटिशन, इनको मॉनिटरी प्राइज मिलता है, और उसके अलावा इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है. दो चीजें मिलती है, मॉनिटरी प्राइज और सपोर्ट, और उसके अलावा एक्सेस टू एंड. ठीक है, इनको इन्वेस्टर की कुछ लिंक्स भी मिलते हैं. ठीक है, कि जिसको भी ये अवार्ड मिल जाएगा ना तो उसको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करे जाएंगे कि आप इनसे, क्योंकि अब देखिए ना, अब इन्वेस्टर भी कहाँ पैसा लगाएगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा, है ना. अब अच्छा काम कर रहा होगा तो वो उसकी उस अच्छा काम करने वाले की पहचान कहाँ से होगी, उस अवार्ड से. तो उसको इन्वेस्टर के लिंक्स भी मिल जाएंगे, और उसको मेंटरिंग भी मिल जाएगी, और द कॉल फॉर द एंट्रीज ऑफ नेशनल स्टार्टअप प्राइस 22. अच्छा, वो ये कह रहे कि ये आपकी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, एंड द सेरेमनी बेस्ड ऑन. ठीक है, सो अब इसका इस 2022 का जो नॉमिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत जल्दी इसका क्या होने वाला है, इसका अनाउंसमेंट होने वाला है रिजल्ट. ठीक, सो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई जो भी बेस्ट होगा उसको क्या मिलेगा, उसको अवार्ड मिलेगा, उससे फायदा क्या होगा, मोटिवेशन होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और उस पर्टिकुलर पर्सन को उसको मॉनिटरी प्राइज मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, इन्वेस्टर के लिंक्स मिलेंगे, अच्छी मेंटरशिप मिलेगी, राइट. इस तरह से आपको ये याद रखना. सो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बस उसको एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट आपका SCO स्टार्टअप, ये आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो इन्होंने क्या किया है, स्टार्टअप फॉरम इज ऑल्सो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये
एक फॉरम, इसके अंदर क्या है, विच इज अ वेन्यू, एक स्टेक होल्डर्स के लिए था ये, फ्रॉम द स्टार्टअप एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल एससीओ मेंबर स्टेट टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद द पर्पस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन टू एस्टैब्लिश नॉलेज एक्सचेंज बूस्ट स्केलिंग ये सब. सो ये सब पर्पस के लिए ना, मतलब इसको प्रमोट करने के लिए और इनोवेशन के लिए और ये सब चीजों के कम्युनिकेशन के लिए क्या किया, एक फॉरम टाइप एक ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक, इससे दिस सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन इंडिया वाज मॉडर्नाइज्ड इन फरवरी ऑफ 2020 एंड एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू सो हैज बीन कट इन हाफ फ्रॉम 18 टू 4. This was accomplished by decreasing the number of procedures from 10 to 3, which cut. ठीक है. So इसके लिए जो procedure होता होगा ना, इसमें हमने इसको start किया था 2020 से, और पहले इसमें जो time लगता था वो 18 days लगता था, अब उन्होंने क्या कर दिया उसको 4 कर दिया है, number of days 4 हो गए हैं. और इसमें जो procedure था ना, मतलब जैसे steps होते होंगे, तो पहले वो steps 10 थे, अब वो सिर्फ 3 steps बचे हैं. ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चाह रही है ना, कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करें, वो बिजनेस करें. और वो बिजनेस, क्योंकि देखिए अगर वो ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री ग्रोथ करेगी. और गवर्नमेंट का जो बर्डन है ये अनएम्प्लॉयमेंट का, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो जाएगा. क्योंकि गवर्नमेंट सबको तो जॉब नहीं दे सकता है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जॉब ना देने पे इतना फोकस नहीं करे. गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि क्यों ना इसको और ऐसे लोगों को डेवलप किया जाए कि जो जॉब्स को जनरेट करें. ठीक, सो इसके लिए ये हमारा ये जो प्रोग्राम है ये चलाया था. ठीक है, सो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है. बाकी फिर ये जो है इसको हम लोग कल करेंगे. और ये इम्पोर्टेंट है वुमेन से, तो देखिए वुमेन और ये बच्चों से रिलेटेड तो जहां पर भी आपको जो मिले ना, वो तो 100% इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के. ठीक, चाहे वो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे फिर वो आप लोगों का एग्जाम हो. ठीक है, सो फिर क्योंकि अभी 9:30 पे आप लोगों की क्लास है सर का, तो आप लोग तो थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा. बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. ठीक, ओके मैम, चलो आई होप समझ आ रहा होगा. ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, बहुत टेक्निकल तो है नहीं ना, सीधा सीधा सा है सब कुछ.